दरअसल राजस्थान में जाति जनगणना पहले भी हो चुकी है। 1931 में ऐसी जनगणना हुई थी। उस वक्त का राजपुताना एजेंसी और अजमेर मेरवाड़ा को मिलाकर जातिगत जनगणना की गई थी, जिसे संयुक्त रूप से आज का राजस्थान माना जा सकता है। आपको राजस्थान में 1931 में हुए जाति जनगणना की जानकारी हम विस्तार से देते हैं। राजस्थान में जाति जनगणना 1931 में हुई थी। उस वक्त ये पूरा इलाका राजपुताना एजेंसी और अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था और इस नाम से चर्चा होती थी। 1931 में हुई जाति जनगणना के मुताबिक राजस्थान की पूरी आबादी 1,17,86,000 थी। 1931 में राजस्थान में कुल 393 जातियों की गिनती हुई थी, जिसमें से 9 जातियों की आबादी 3 लाख से 10,72,000 के बीच थी। वहीं जाति जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक 13 जातियों की आबादी 1 लाख से 3 लाख के बीच थी, तो 54 जातियों की आबादी 10,000 से 50,000 के बीच थी। 1931 की जाति जनगणना में 215 ऐसी जातियां थी जिनकी आबादी 1,000 से भी कम थी। ऐसी 215 जातियों की कुल आबादी 44,863 थी। वहीं राजस्थान में 1931 में हुई जाति जनगणना में जाट, ब्राह्मण, राजपूत, मीणा, गुर्जर, माली, कुम्हार जैसी जातियां थी जिनकी आबादी लाखों में थी, या यूं कहें कि ये उस वक्त टॉप 10 आबादी वाली जातियों में शामिल थी। दरअसल 1931 की जाति जनगणना के मुताबिक जाट समुदाय की आबादी 10.72 लाख थी। वहीं आबादी के हिसाब से ब्राह्मण दूसरे नंबर पर थे, उनकी आबादी 8.81 लाख थी। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो चर्मकार समुदाय की आबादी थी, उनकी कुल जनसंख्या 7.82 लाख थी। दरअसल आबादी के हिसाब से भील समुदाय लोग चौथे नंबर पर थे, उनकी संख्या 6.64 लाख थी। इस आंकड़ों के मुताबिक राजपूत समुदाय की आबादी 6.60 लाख थी। 1931 में 6.12 लाख की आबादी के साथ जनसंख्या के हिसाब से मीणा समुदाय छठे नंबर पर था। 1931 की जाति जनगणना के मुताबिक गुर्जर समुदाय की बात करें तो आबादी 5,61,000 थी। इसके बाद माली समुदाय की आबादी 3,83,000 थी, तो कुम्हार जाति की कुल आबादी 3,73,000 थी।